कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हम आगे चलेंगे। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को यह अधिकार दिया गया है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भंग की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। अनुच्छेद 85 बताता है राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 85 में। किसके परामर्श से भंग किया जा सके, भंग करेगा राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री के परामर्श से। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले राज्यसभा गठित हुई है, 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो अगर 60 दिन तक कोई भी संसद का सदस्य है वो बिना अनुमति के अनुपस्थित रह रहा है तो उसको उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ भेजते हैं, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, ये संघ शासित प्रदेश हैं, तो ये इनके भी प्रतिनिधि राज्यसभा में आते हैं। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, जो कि सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले राष्ट्रपति बने हैं। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में राज्यों का भाषाई आधार पर गठन हुआ था। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 ईस्वी के बाद। 2026 ईस्वी की जनगणना के बाद लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 ईस्वी में, 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और समान आचार संहिता कहाँ लागू हुई है? गोवा में, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर समान आचार संहिता लागू हुई है, और इसका आर्टिकल है 44। आर्टिकल 44 समान आचार संहिता को बताता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी महापौर कहलाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 राजनीतिक दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी।